हेलो एवरीबॉडी, इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती निकली है नाविक के पद के लिए। योग्यता 12वीं पास है और इस फार्म को भरने की कोई भी फीस नहीं है। यदि आप इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए जॉब से जुड़ी अपडेट आती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं भर्ती के ऊपर कि क्या अपडेट आप सभी के लिए आई है। तो दोस्तों, ये भर्ती पहले निकली थी, इसके फार्म भरे जा रहे थे और इसकी लास्ट डेट थी। अब लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा, लास्ट डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। 26 जनवरी से फार्म शुरू हुए थे और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी 2020 है दोस्तों। इस फार्म को भरने की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। नाविक जीडी की ये भर्ती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। और जो इसकी एडमिट कार्ड आएंगे वो 15 फरवरी से इसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। कुल पद 260 है दोस्तों। 18 से 22 साल इसमें एज मांगी गई है, ठीक है। और प्लस टू पास कैंडिडेट मैथ और फिजिक्स यदि आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% नंबर ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी लेकिन आज इसकी अभी डेट एक्सटेंड हुई है। कई दोस्तों ने इसके लिए फार्म अप्लाई नहीं किया होगा तो आप तक ये सूचना पहुँचाना ज़रूरी था। यदि आपने अभी तक फार्म अप्लाई नहीं किया तो अब आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी उसकी डेट है और 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट अभी कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपने यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।